से दूर रखा हुआ। ये तो परमात्मा स्वयं आते हैं और वो अपनी प्यारी आत्माओं पर दया करके ये ज्ञान समझाते हैं, फिर ये जो पुण्य आत्मा होती हैं वो समझ जाती हैं, संभल जाती हैं और सिर पे पांव रख के दौड़ लगाती हैं। आपको जब सही और हृदय में ये दस जाएगा ना तत्व ज्ञान, अभी तो आप बालक हो, अभी आप इतना ज्ञान सुनने के बाद भी इतना प्रेशर है काल का कि हृदय हटा नहीं अभी आपका, हटेगा। तरीका यही है, प्रोसीजर यही है, ज्ञान सुनो भक्ति करते रहो, इस ज्ञान की और भक्ति का एक ऐसा तालमेल आखिर में जुड़ेगा आपकी जड़ निकल जाएगी। यहां से नफरत, जैसे किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती या जिसे एलर्जी हो जाती है उसका उल्टी गिर जाती है, जिसको कोई कह दे इसने खा ले, तो ऐसे यहां की हर वस्तु से आपका इतना हृदय हट जाएगा तो तब आप यहां से चलने की योग्य हो जाओगे। अभी तो हम यहां माया मांगे हैं, सुख हो जा बेटा का बेट, पुत्र हो जा, नौकरी लग जा, अरे ये तो अवश्य लगेगा, अवश्य देगा मालिक आपको, या तो मांगण की चीज को ना दरबार माए पास है, लेकिन एकदम नहीं होता। जो पुराने भक्त हैं वो तो अच्छी तरह समझ भी चुके हैं इस बात को और वो इस अतिथि में पहुंच रहे हैं, लग रहे हैं उसके निकट, और जो नए नए आते हैं बेचारे वो महादुखी हैं, काल के पीटे हुए तोड़े हुए दे ही तोड़ रखी है उसने काल ने, भूता ने कति उदमस्तार रखा सबके घर में, कुकर्म तार रखा है, कोई घर खाली नहीं छोड़ रखा। और परमात्मा की जहां भक्ति शुरू हो जाती है ये नो जाते हैं जैसे ऑल आउट लाए पाचा मच्छर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा करें। तो जिस घर में परमात्मा सतपुरुष कबीर जी की भक्ति दास के द्वारा शुरू हो जाती है उसमें ऑल आउट की जो है मच्छर भगा देती है, ऐसे या भक्ति सब इन दुखदायी तत्वों को आपसे दूर करने लग जाएगा। जितना भी देखो समय लगता है, ऑल आउट भी एक दो घंटे लानी पड़े जब पूरा काम करती है, तो ऐसे ही मालिक के इस भक्ति में समय अवश्य लगेगा लेकिन कल्याण आपका हो जाएगा। तो कुछ जो नए आते हैं वो तो उस दुख का निवारण ही चाहेंगे, वो होगा पहले तो उस वही होगा तभी आपका विश्वास होगा, ना बात बनाए बात नहीं, कोई नहीं विश्वास हो सकता किसी को। जो दास परमेश्वर कबीर साहेब जी की जो महिमा सुनाता है और फिर आपके साथ वो घटना सत्य होंगी जब आपका जचेगी सचमुच यह बात सच्ची है।